वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल और हम लोग हॉस्पिटल का टूर बनाने वाले हैं, टूर वीडियो। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हम लोग जैसे जाते रहते हैं तो इसका जो टाइमिंग रहता है और कहाँ से अपने को बैठना रहता है, ये सब के बारे में आज बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अपने हॉस्टल से हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग अभी बस से जाएंगे और हम लोग ये तैयार भी हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं और रास्ते को भी दिखाएंगे कैसा है हम लोग का रास्ता। यहाँ से अपन को पैदल जाना पड़ता है रोड तक, इसके बाद वहाँ से बस आएगी, इसके बाद उसमें भी जाएंगे हम लोग। तो चलो बैग पकड़ लेते हैं, इसके बाद निकलते हैं यहाँ से। हम लोग हॉस्टल से निकलने वाले हैं, अब जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग आपको दिखाएंगे, रास्ता थोड़ा बेकार है यहाँ से जाते वक्त। ये हमारे गार्ड भैया हैं, देखो यही है। रास्ते में ये सब मिलते रहते हैं, देख रहे हैं। और सबसे मेयर रहता है यहाँ पर ये गोबर। और रास्ते में ये शिव जी का मंदिर पड़ता है। हमारी बस आ चुका है और बाकी लोग भी आ चुके हैं। यही वाला बस है जिससे हम लोग बैठ के जाते हैं। और ये रास्ते में आरपा नदी पड़ता है। अभी इसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि नीचे साइड इसको बांध दिया गया है, नहीं तो इसमें नहीं रहता है पानी। और ये जो देख रहे हो लेफ्ट साइड अपोलो हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता है। और ये पड़ा बसंत विहार चौक। और ये राइट साइड पड़ता है साइंस कॉलेज का मैदान। उसके बाद पहुंच जाते हैं आरके पेट्रोल पंप। यहाँ से अपन साइड साइड जाएंगे क्योंकि इधर गर्ल्स हॉस्टल है, तो इसको महर्षि दयानंद चौक बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ये गर्ल्स हॉस्टल के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक मंदिर है, ये गर्ल्स लोग हैं जो लोग अभी जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। वो जो आ रहे हैं उधर ही है अपना गर्ल्स हॉस्टल। आ रहे हैं सीनियर में गर्ल्स। अब गर्ल्स लोग को ले करके हॉस्पिटल के रास्ते निकल पड़ते हैं। ये महर्षि दयानंद चौक है, यहाँ से अपने को मुड़ना रहता है। पटेल है सबसे लेट में आई है। और ये रहा नूतन चौक, ये सरकंडा में है जिसको डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से भी जाना जाता है। और ये राइट साइड में आयुर्वेद मेडिकल स्टोर है, अगर कुछ मेडिसिन नहीं मिलता है तो यहाँ से खरीदते हैं। और ये रहा अपना आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय कैरो। और हम लोग ये बाहर के एंट्री वाला गेट के पास पहुँच चुके हैं। ये अपना आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय बिलासपुर है। अभी सुबह 9 बज रहा है और देख रहे हो अभी से इतना भीड़ हो गया है। और ये हम लोग हॉस्पिटल के सामने ही पहुँच चुके हैं। यही रहा अपना हॉस्पिटल। सब लोग भाग गए, चलो चलो चलो। तो चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं और अंदर को दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो नहीं बना पाऊँगा अंदर का, क्योंकि हमारे जो इंटर्न सर MM लोग थे उन लोग का यहाँ ड्यूटी ख़त्म हो गया है, तो अपन को कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रुकना, अबे सावधान रहे, सतर्क रहे। एंट्री होते ही अपने को दर्शन होता है भगवान धन्वंतरी जी का। और इसके बाद इधर राइट साइड में है पंजीयन कक्ष, जहाँ से आप अगर आओगे तो पर्ची कटाओगे। एंट्री लेते ही सबसे फर्स्ट में ये जो सामने है औषधि वितरण कक्ष। चलो अब अंदर का व्यू दिखाते हैं। दीदी आती है यहाँ पर मेडिसिन वार्ड। एसटी मध्ये चोण संडी चोण इकडे चोण। तो दोस्तों बाहर से देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है। तो आज हम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को बनाएंगे, जैसे ये है अपना सलाख के नेत्र विभाग। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पूरे को कवर करने की कोशिश करेंगे जब भी बनाएंगे हॉस्पिटल टूर का ब्लॉग। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।